तो यहाँ टाइगर के खलनायक के लिए संजू बाबा ने अपनी कमर कस ली और टाइगर को खलनायक में लेने के लिए संजय दत्त ने अपना पूरा मन बना लिया है। जैसे कि हाल ही में टाइगर भी कहते दिखे कि मैं संजू बाबा का बड़ा फैन हूँ और यकीनन उनके साथ काम करना चाहूँगा, और यह फिल्म को लेकर बात भी हुई है लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। और इसमें फैन बेस की पसंद नापसंद का ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है। और इस तो आपको बता दें कि यहाँ टाइगर को खलनायक में बतौर फिल्म के लीड स्टार के लिए अप्रोच किया गया था, यानी कि खलनायक फिल्म में दिखने वाला संजू बाबा का किरदार। तो इसमें टाइगर को फिल्म में विलन बनना होगा और टाइगर अभी तक किसी भी फिल्म में विलन नहीं बने हैं और टाइगर अपनी हीरो वाली छवि को हमेशा बनाए रखना चाहेंगे। तो इसमें टाइगर खलनायक में विलन शायद ही बने, लेकिन टाइगर इस फिल्म में दूसरा किरदार निभा सकते हैं, यानी कि वही किरदार जो कि खलनायक में टाइगर के पिता जेकी श्रॉफ ने निभाया था। और वह संजू बाबा का कहना है कि यदि टाइगर नेगेटिव रोल नहीं करते हैं तो मैं टाइगर को दूसरी फिल्मों के लिए अप्रोच करूंगा। तो समझे संजू बाबा इन दोनों काफ़ी सारी फिल्में कर रहे हैं और वही संजू बाबा ने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया है और इसमें संजू बाबा जल्द से जल्द एक शानदार फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें वो देखना चाहते हैं टाइगर श्रॉफ को। तो यह देखने वाली बात होगी कि फाइनली हमें खलनायक में कौन कौन दिखते हैं और क्या टाइगर इस फिल्म में होते हैं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।